वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ए लाइन फ्रॉक कटिंग कली वाला। आइए शुरू करते हैं। दोनों तरफ हमने कपड़ा ले लिया है, डिजाइनिंग कपड़ा है। ये हम अस्तर लगाएंगे और ये कली के लिए पहले हम पहले नाप डालेंगे बॉडी का। इस तरह से हमने चार फोल्ड कपड़े के कर दिए हैं। अब हम बॉडी का निशान लगाएंगे। पंद्रह इंच लेंगे हम बॉडी के लिए। चौड़ाई 11 इंच लेंगे। यहाँ से हम नेक का निशान लगाएंगे। ढाई इंच पर हम नेक का निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए पूरी शोल्डर हम 7 इंच लेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे। यहाँ से हमें गोलाई लेना है और अंदर की तरफ थोड़ा सा डीप लेना है। गला हम क्या सिर्फ पर कट करेंगे, इस पर हम सिर्फ बॉडी कट करेंगे। चलिए बॉडी पहले कट कर लेते हैं। अब हम घेर की लंबाई लेंगे। 33 इंच लेंगे हम यहाँ से। डिजाइन कपड़े का सही आने के लिए हमें इसको पहले कट कर देना होगा। अब हम ये भी कपड़ा इसी तरह से रखेंगे। बाकी फूलों के डिजाइन सेम आए। हमेशा डिजाइनिंग देखकर ही सूट कट करना चाहिए। अब हमें यहाँ बॉडी सीधी रखकर हमें घेर का निशान लगाना है। यहाँ से आप 1 इंच कम लीजिए। फिटिंग के लिए हमें 1 इंच कम लेना है। यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से हमें क्रॉस में निशान लगा के जाना है ताकि हमारा घेर अच्छे से आए। यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे। इस तरह से हमें
हेयरलाइन फ्रॉक कट कर दिया है। अब आप ये जो कली का कपड़ा है इसे इस तरह से रखिए, और ये जो घेर है हमारा हम इस पे बराबर रखकर कट कर लेंगे। हमें कली सामने ही लगाना है, बैक पर नहीं लगाना है हमें। इस तरह से कट कर लें। निशान लगा लिया है हमने, अब हम कट भी कर देंगे। स्टेचिंग में आपको कली किस तरह से लगाना है वो देखना है। ये हमारी बीच में लगाने के लिए कली भी तैयार हो चुकी है। आप इसका स्टेल भी कट कर लीजिए। अब हम अस्तीन कट करेंगे। सत्रह इंच की लेंथ है इसकी, चौड़ाई लेंगे हम 10 इंच। फुल प्लेस आप इसके फुग्गे वाले भी तैयार कर सकते हैं जो कि आजकल चल रहे हैं। यहाँ से 2.5 इंच लीजिए, यहाँ से 2.5 इंच लीजिए आप। इस तरह से सीधी नाप में लगा लीजिए। यहाँ से आपका 2 लाइन लेना है और यहाँ से 1.5 इंच का आपको शेप लेना है। यहाँ से 6.5 इंच के नाप में कीजिए। डिजाइनर अस्तीन भी तैयार हो रहे हैं आपके। चलिए स्टिचिंग देखते हैं। आइए स्टिचिंग शुरू करेंगे। बॉडी का हमने इस तरह से गला कट कर लिया है। अब हम बॉडी है जो है सो अस्तर पे लगाएंगे। अस्तर हमने सीधा रख दिया है। अब ये जो है सो हमारा कपड़ा उल्टा है। पहले हम गले की सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा हमें रोक कर लेना है ताकि हमारे गले पे फिनिशिंग आ सके। टेंशन उठा के
फिर आपको लगाना है सिलाई। इसी तरह से आप भी सिलाई लगाइए, इस तरह से कट करना है हमें। तो टचअप कीजिए जरा सा, ताकि ये पलटने में आसानी से पलट सके। टचअप करने से गला अच्छा हमारा फिनिशिंग में आएगा। अब हम इसे सीधा पलट देंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे। पीछे का भी गला इसी तरह से आप अटैच कर लीजिए। इस तरह से अटैच कीजिए। देखिए अब इसी तरह से आपको डबल सिलाई लगाना है। थोड़ा रोक कर सिला लीजिए ताकि अच्छे से गला आए। बॉडी पे पूरी सिलाई लगाना है हमको। अब आप बीच में से इसे कट लगाइए। ये जो हमारी कली है अब हमें इसे अटैच करना है। ये सीधा रखिए और ये वाला पीस आप इस तरह से अटैच कीजिए। ताकि हमें लगाने में आसानी हो। नीचे तक आपको सिलाई लगाना है इस तरह से। देखिए एक पीस हम अटैच कर चुके हैं। अब इसे अंदर की तरफ पलटिए। ये वाले पीस को हमें अंदर की तरफ पलट कर फिर सिलाई लगाना है। इस तरह से
कपड़े को बराबर कर लीजिए। ये जो दूसरे तरफ का पीस है, अब हमें दूसरी वाली कली से अटैच करना है, ये वाली। देखिए किस तरह से करना है, ये वाला इस तरह रखिए और सिलाई लगाइए। बराबर लगाने दीजिए कलर को। नीचे तक इस तरह से सिलाई लगाइए, फिर कली किस तरह से अटैच करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब इस पर हम प्रेस सिलाई लगाएंगे उधर की तरह। ये वाले पीस को हमें अंदर की तरफ आने देना है। आप नीचे तक सिलाई लगाइए। अब हम कली जुड़ा चुके हैं, अब हमें ये कली को अंदर डालना है ताकि ये नजर ना आए। बीचों बीच लेना है इसके, यहां से इस तरह रखिए और ये वाले कली को हमें पलट कर इस तरफ रखना है। ये दोनों का स्पेस हमें उतना ही आना है। अब हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से। ये वाला पीस हमें इस तरह सिलाई लगाना है। ये कली हमें अंदर से नजर आनी चाहिए, ऊपर से ये वाला कपड़ा नजर आना चाहिए। देखिए इस तरह से अपन फिक्स कर लें। अब हम इसको बॉडी से अटैच कर देंगे। ये हमारी कली तैयार हो चुकी है, अब हम इसे बॉडी से अटैच कर देंगे। देखिए किस तरह से अटैच करना है आपको। ये वाला पीस इस तरह रखिए नीचे, ऊपर से हमें बॉडी लगाना है। ये वाली बॉडी इस तरह से पलट कर रखिए और सिलाई लगाइए।